हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल तंजिला किचन रेसिपीज़। तो आज हमारी किचन में शिमला मिर्च की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है जिसे आप खाते रह जाएंगे। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाएगा फ्रेंड्स, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आने वाली है ये। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देरी न करते हुए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 से 4 शिमला मिर्च ले लिया है। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है उतने आप शिमला मिर्च ले लीजिएगा। तो इसे अभी हम रखते हैं साइड में, और कुछ मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं तो इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। और बिल्कुल अच्छे से हमें मैश करना है, बिल्कुल भी इसमें जो है गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। और अब जो है हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। ये मैंने ले लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे बारीक चॉप कर लिया है, और 2 मैंने हरी मिर्च ले लिया है इसे भी मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। और अब जो है हम डालेंगे इसमें कुछ सूखे मसाले। तो ये मैंने ले लिया है 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने ले लिया है 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, और ये डाल रही हूँ मैं इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो इसकी जगह आप आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दीजिएगा। और अब जो है 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है नमक, मतलब स्वाद अनुसार डाला है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और अब जो है अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और अब जो है इसे रखेंगे हम साइड में। और ये मैंने ले लिया है शिमला मिर्च, और इसे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें कट करना। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से हमें कट करना है, और इस तरीके से ओपन करके देखिए। ये देखिए, अगर आप इसके बीज निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन शिमला मिर्च के बीज कोई इतने तीखे नहीं होते हैं। तो हम इसी में अच्छे से हमारी आलू की जो स्टफिंग है अच्छे से भर देंगे इसके अंदर। और बिल्कुल अच्छे से दबा दबा कर आप इसे भरें, बिल्कुल शिमला मिर्च के चारों तरफ आलू को अच्छे से भरना है हमें। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, अगर आप चाहें तो आप आलू का जो भरता है हमारा उसके अंदर आप मिर्च ना भी डालेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे ज़रूर डालिएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से जो है हम सारे जो है भर लेते हैं। तो ये देखिए सारी शिमला मिर्च को हमने अच्छे से भर लिया है। तो अभी हम इसे रखेंगे साइड में। और ये मैंने ले लिया है बेसन, लगभग 1 कप मैंने बेसन लिया है, और इसमें डालेंगे अभी हम कुछ मसाले। तो ये मैंने ले लिया है 1 छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, और ये मैंने ले लिया है गरम मसाला आधी छोटी चम्मच। इसमें हम लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने शिमला मिर्च के बीज भी नहीं निकाले हैं, और भरते में भी हमने जो है लाल मिर्च और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है तो मिर्च ज़्यादा हो जाएगी इसीलिए। और 1 छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक, स्वाद अनुसार डाल लें आप। और अब जो है थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से हमें मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं, और ना ही हमें ज़्यादा पतला घोल बनाना है और ना ही ज़्यादा हमें गाढ़ा बनाना है। तो अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि किस तरीके की होनी चाहिए। ये देखिए आप, एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है इसकी। ये देखिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है ये, और बहुत ज़्यादा पानी की तरह पतला भी नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपको नहीं करना है इसे, नहीं तो जो है आपकी शिमला मिर्च बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। बिल्कुल ये देखिए इस तरीके का होना चाहिए, ये देखिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अभी जो है इस तरीके से डुबो करके हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और आपका गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पर होना चाहिए। अगर हाई फ्लेम होगा आपका तो आपकी शिमला मिर्च की जो बेसन की परत है वो एकदम से जल जाएगी, और अंदर से जो हमारी शिमला मिर्च है वो सॉफ्ट नहीं हो पाएगी, इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये देखिए लगभग 1 मिनट हो चुका है, अभी हम इसे टर्न कर देते हैं। आपको दिख रही होगी कितनी बढ़िया से परत आ चुकी है। तो अभी जो है हम इसे और फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई होते हुए। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से हमारी शिमला मिर्च फ्राई होकर के रेडी हुई है। आप इसकी क्रिस्पीनेस देख सकते हैं, और जो शिमला मिर्च हमारी पकी है अंदर से वो भी आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो आपको ऐसे किसी भी दूसरी चीज़ के साथ खाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप इसे ऐसे भी रोटी और पूरी के साथ खाइए, ये ऐसे ही मज़ेदार लगेगी आपको, ये देख सकते हैं आप।
तो आपको इस रेसिपी में कोई भी डाउट होता है बनाते वक्त, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगी। और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आगे भी मैं आपको इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया यूनिक और टेस्टी रेसिपीज़ देती रहूँगी। और ये देख सकते हैं आप इसका फाइनल लुक, ये बन करके एकदम तैयार हो चुकी है और आपको दिख ही रही होगी कितने मज़ेदार बनी है ये। तो मैं मिलती हूँ फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी को लेकर। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।